25 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर रईस और काबिल के बीच दंगल होने वाला है। इस दंगल को टालने की भरसक कोशिश की गई। रईस के निर्माता शाहरुख खान और फरहान अख्तर ने काबिल के निर्माता राकेश रोशन से दो बार मुलाकात की, लेकिन नतीजा शून्य रहा। राकेश रोशन का कहना था कि वे काबिल को गणतंत्र दिवस वाले सप्ताह में रिलीज करेंगे। रईस वाले बाद में आए, इसीलिए उन्हें अपनी फिल्म को आगे पीछे करना चाहिए। एक और कारण है जिसकी वजह से राकेश रोशन ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट नहीं बदली। वे अंधविश्वासी हैं, हमेशा अपनी फिल्म का नाम के से शुरू करते हैं। रिलीज डेट को लेकर भी उनका अंधविश्वास है। राकेश रोशन के अनुसार उन्होंने जिंदगी में सिर्फ एक बार अपनी फिल्म के रिलीज होने की तारीख बदली थी। किंग अंकल को उन्होंने अपनी बेटी की शादी के कारण आगे बढ़ा दिया। जब फिल्म प्रदर्शित हुई तो बुरी तरह फ्लॉप रही। तब से उन्होंने कसम खा ली, चाहे कुछ भी हो, रिलीज डेट अपनी फिल्म की नहीं बदलूंगा।